हरियाणा में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जहां हरियाणा चौकीदार रूल्स 2011 के प्रशासनिक नियंत्रण को हरियाणा के गृह विभाग से विकास एवं पंचायत विभाग में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बता दें कि ये बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। वहीं इस बारे में बात करते हुए सीएम मनोहर ने बताया कि हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स 1974 के बिजनेस के तहत गृह विभाग को विलेज चौकीदार्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पंजाब चौकीदारा रूल्स आवंटित किया गया था। इसके बाद हरियाणा चौकीदारा नियम 2011 लागू करके पंजाब चौकीदार नियम को निरस्त कर दिया गया। वहीं उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से साल 1996 से चौकीदारों के मानदेय के पुनरीक्षण सहित अन्य लाभों और अन्य मामलों का संचालन किया जा रहा है। इसलिए अब कैबिनेट ने हरियाणा चौकीदारा वॉचमैन रूल्स 2011 के प्रशासनिक नियंत्रण को गृह विभाग से विकास एवं पंचायत विभाग को तत्काल स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के चौकीदार होते हैं, उनका सबका अभी तक जो होम, उनका जो डिपार्टमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो होम डिपार्टमेंट था। अब उनको पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत कर दिया गया है, क्योंकि पंचायतें ही हैं जिनसे सीधा उनका संबंध आता है, वही काम लेते हैं और उन्हीं के अकाउंट्स में से उनकी सैलरी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी अब वो जो है ग्रामीण विकास पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास भेज दिया।